बेटा जब हम क्लासिकल डांस कथक, जब हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस कथक शुरू करेंगे, तो यूं तो वैसे हर एक डांस फॉर्म जब हम करें, कोई भी डांस फॉर्म, उससे पहले हम एक फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रणाम, या फिर उसको स्टेज पर टच करते हैं, फ्लोर को टच करते हैं, एक वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करके डांस करते हैं। बट क्योंकि हम क्लासिकल डांस कर रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य जो एक टेक्स्ट के ऊपर आधारित है, रूल्स के अंदर फ्रेम्ड है, तो ये एक जो, और जो इसका ओरिजिन है वो भी बहुत स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स के साथ हुआ था, तो उसी सेंटिमेंट्स के साथ हम एक प्रणाम करेंगे। और प्रणाम क्या है? सामने बैठे ऑडियंस, क्योंकि सब लोग अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपको देखने आए हैं, तो आपके लिए वो सबसे वैल्यूएबल है। सामने बैठे ऑडियंस, जो हमारे सामने बैठे हैं भगवान। अब भगवान को हम बोलते ना ऊपर वाले मेयर कर, तो ऊपर भगवान को हमेशा ऊपर सिग्निफाई करते हैं। उसका मतलब ये है, भगवान को क्वेश्चन अराइजेस कि गॉड इज एवरीवेयर बट वाई अप। तो लॉजिक इज कि जब हम लोग जो है वो, हम लोग बहुत पाप करते हैं, तो हमारा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा नीचे है भगवान से, थोड़ा सा नहीं बहुत नीचे है। भगवान का जो लेवल है हमारे से, जो उनकी पोजीशन है, जो उनका स्टेटस है, वो हमारे से बहुत ऊपर है, तो ऊपर को हाइट, तो इसलिए भगवान ऊपर की तरफ। और धरती तीसरा है हमारी धरती। धरती माँ तो सबको पता है कि नीचे होती है, तो धरती और अपने गुरु को प्रणाम करके हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे, फिर ये, फिर थ्री पे ऐसे, एंड फिर हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अगेन योर डांस टीचर पुलकित जैन। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द डांस क्लास। सो हमने पिछले क्लासेस में हमने इंडियन डांसेस के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि इंडियन डांसेस को हमारे करिकुलर में दो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। वन इज फोक डांस एंड अदर इज क्लासिकल डांस। पिछली क्लास में मैंने आपको, पिछले वीडियो में, पंजाब के फोक डांसेस के भंगड़े के कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाए थे, तो हम साइमल्टेनियसली क्लासिकल डांस को भी साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। तो क्लासिकल डांस जो हम करेंगे, वो हमारा जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है, वो कथक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कथक। तो कथक सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कथक का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथक? कथक का मतलब है स्टोरी टेलिंग, कथा प्लस अक, कथा को कहना। तो इस डांस फॉर्म में हम लोग यूजुअली हमारे डांस में एक स्टोरी को ही टेल करते हैं। स्टोरी को कैसे टेल करते हैं? थ्रू आवर पोस्चर, थ्रू आवर जेस्टर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो कथक में भी हमने म्यूजिक और मूव्स के साथ हमने एक स्टोरी को टेल करना है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले हम उसके फोनेटिक्स, अल्फाबेट्स के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ही कथक के जो बेसिक्स हैं वो है तत्कार, फुटवर्क। सो व्हाट इज तत्कार, हियर द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज तत्कार? तत्कार इज अ बेसिक फुटवर्क इन कथक। जैसे जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं, ए बी सी डी। इसी तरह से जब हम कथक सीखते हैं, तो सबसे पहले हम तत्कार सीखते हैं, जिसके बोल क्या है? ता थे तत, आ थे तत। तो बेसिकली तत्कार इज अ बेसिक फुटवर्क। तो वो फुटवर्क में क्या है, हमें है, तो ये आठ बोल, ता थे तत, आ थे तत, टोटल एट बोल है, बट हमें इनको चार चार में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक से चार तक काउंटिंग गिनेंगे, उसके बाद हम चार से एक तक मीन्स रिवर्स काउंटिंग गिनेंगे। तो सबसे पहले हम एक तो पढ़ेंगे कैसे, एक दो तीन चार, चार तीन दो एक। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? वन टू थ्री फोर, फोर थ्री टू वन। अब डांस में कैसे पढ़ेंगे? ता थे तत, ता थे तत। तो अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे कथक में, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है कि जो एक है, वन है, वो हमेशा राइट के साइड पे आएगा, और जो टू है वो लेफ्ट के साइड पे आएगा। मींस जितने ऑड नंबर्स हैं, मतलब एक और तीन, वन और थ्री आर ऑड नंबर्स, जो ऑड नंबर्स हैं वो हमेशा राइट पे आएंगे, टू और फोर इवन नंबर्स हैं वो लेफ्ट पे आएंगे। तो फिर कैसे, किस तरह से तत्कार बनेगी ये? वन समझ आया? हम फिर से लेते हैं इसको, एक
एक बार फिर से देखिए कैसे है। और जो हमारे पैर है उसका डिस्टेंस देखिए कैसे होना चाहिए, वी बनेगा बट हील्स जो है वो आपस में ऐसे टच नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा गैप होगा हील्स के बीच में, और पैर जो है वो वी बनेगा, चेस्ट हमारी जो है वो आउट रहेगी और हम एकदम स्ट्रेट खड़ना है। हमारा पोस्चर देखो बॉडी पोस्चर ही होना चाहिए जब हम क्लासिकल डांस करेंगे, हमारे ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए, हमारे एकदम से एक्टिव होकर एक आर्टिस्ट की तरह खड़ेंगे और इस तरह से जब हम फुटवर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।